आया मेरी हस्ती में, दिलदार का गम आया। ये बातें सुनाई थी उन्होंने मुझे, क्योंकि मैंने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं खावर से बहुत मोहब्बत करती थी और मुझे खावर की दी हुई हर तकलीफ से मोहब्बत है। मेरे एक फैसले ने मेरी बच्ची को जो दुख दिया है, आप मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। देखो, औरत के लिए सबसे बड़ा कठिन वक्त है, मुश्किल वक्त एक आजमाइश है, जब उसका मियाँ उसका साथ छोड़ दे। दिलदार का गम आया। अम्मी, ये तकबीर क्या कह रही है? बेटा, जो तुमने सुना है वही कह रही है ना? क्यों कह रहे हैं ऐसा अम्मी? मत जाएं आप लोग वहां पे, प्लीज। क्यों नहीं जाएंगे? क्या तुमने सारी जिंदगी अकेले रहना है? नहीं अम्मी, लेकिन मुझे अभी तकबीर की जिंदगी के लिए। बेटा, तकबीर के जो नसीब में था वो गुजार रही है। आप क्या समझती हैं अम्मी, उसकी सारी जिंदगी यूं ही गुजरने दूंगा क्या? नहीं अम्मी, उसकी जिंदगी तो तब्दील करनी है मुझे, बहुत कुछ करना है उसके लिए। पागल हो गए, नसीब का लिखा कौन टाल सकता है? अम्मी, इसे नसीब का लिखा नहीं कहते, हमारी गलती थी। अब अल्लाह उसे एक दूसरा मौका दे रहा है, तो हमें चाहिए ना कि वो अपनी मर्जी की खुशियां चुन ले। पागल हो गए, हम कर भी क्या सकते हैं? अम्मी, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं कोर्ट जाके उसके खुला की दरख्वास्त दायर करूंगा। ये क्या कह रहे हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने अम्मी? 6 महीने से वो आदमी अपनी बेटी की शक्ल देखने नहीं आया, शौहर होते हुए भी बेवाओं वाली जिंदगी गुजारी है मेरी बहन। ऐसी जिंदगी नहीं चाहता मैं उसके लिए, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, उसकी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। अम्मी, मैं उसको खुला दिलवा कर आऊंगा। खबर होगा तो खुला दिलवाओगे ना उसे? ये आपकी सोच की बात है, ऐसा कुछ नहीं। आखिर कोई ना कोई तो कानून होगा ना? ठीक है, जो तुम करना चाहते हो करो, लेकिन जो हम करना चाहते हैं वो हमें करने दो। ये सब की कोई जरूरत नहीं है मम्मी। बेटा, वो माँ बेटियां दोनों बहुत अच्छी हैं और लड़की बहुत सलीकामंद है, और इस तरह हम रिश्ते की बात करके दोबारा उनको जवाब नहीं देंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, तो तुम खुद सोचो क्या लड़की की इंसल्ट नहीं होगी? अच्छा ठीक है, आप मिल लाएं, लेकिन प्लीज बात को आगे मत बढ़ाइए, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूं। भाई, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी को अपनी बेटी बना लें। बस आपकी मोहब्बत है और मुझे बेहद खुशी आपकी बात सुनकर। क्या क्या किया आपकी बच्ची ने? आप यकीन करें, मेरी बेटी बेहद सीधी सादी और मासूम है, आजकल के जमाने की तो उसे हवा तक नहीं लगी। बड़ी ही फरमा बरदार और खिदमत गुजार, ना कोई फरमाइश ना कोई ख्वाहिश। माशाल्लाह, ये तो आपकी तरबियत का नतीजा है। तो क्या मैं ये समझूं कि अब वो हमारी अमानत है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे वही काम के सिलसिले में आपसे एडवाइस चाहिए। यार, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें कुछ भी कहना हो कह दिया करो, आखिर तुम्हारा मेरा इतना तो ताल्लुक है कि तुम उसे कुछ भी कह सकते हो। पहले आप एक मशवरा देंगे? करो। मैं तकबीर को खुला दिलवाना चाहता हूँ। फरहान ने सख्ती से मना कर दिया, वो भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मुझे ये समझ नहीं आ रहा अम्मी, उसने सख्ती से मना क्यों किया है? उसे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहता। क्या बेवकूफों वाली बात है, मेरी फिक्र करने की क्या जरूरत है? मैं बहुत खुश हूँ अम्मी। बस मैंने तय कर लिया है, कल भाई और भाभी आएंगे, हम तैयारी शुरू कर देंगे। फरहान को जो कहना है कहने दें, वो तुम्हें खुला दिलवाना चाहता है।
मुझे बताएं अम्मी, खुला दिलवा के क्या करेगा? ताकि तुम अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सको। लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ फातिमा है अब और कोई नहीं। एक तो तुम भी नहीं सुनती और वो भी नहीं मानता। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप फिक्र ना करें, मैं कुरान को मना लूंगी। देखिए नुसरत जैसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, वो एक बहुत ही प्यारी लड़की है। हाँ अच्छी तो मुझे भी लगी है, दोनों माँ बेटियाँ कितनी मिलनसार थी और नुसरत किस तरह घुल मिल गई थी हमारे साथ। बस ठीक है, नेक काम में देरी कैसी, हम कल ही जाके उसे। लेकिन फरहान, अम्मी आप फिक्र मत करें, फरहान को मैं मनाऊ ठीक है? अच्छा बेटा, जैसे तुम लोगों की खुशी, अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे। आप जाइए, आप आराम कीजिए, आप परेशान मत हो। जी भाई, लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी इजाजत लेना चाहती, फिर जाके तारीख तय करूंगी। तकबीर, तुम्हें इजाजत की क्या जरूरत है भला? हाँ तकबीर, पिक्चर में तो बहुत प्यारी लगी है, माशाल्लाह दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है भाभी, फिर मैं तारीख तय करके आपको खुशखबरी के लिए कॉल करूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखो, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। ओ तो छुप छुप के हमारी बातें सुनी जा रही थी। चलो ये भी ठीक है, मैं और अम्मी जा रहे हैं तुम्हारी शादी की तारीख तय करने। लेकिन 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 कुछ नहीं, तुमने कहा था मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगे, तो ये है मेरी पसंद, कमरे में फोटो रख दिए, देख लेना। अच्छा एक बात सुनो। बोलो। हाँ, इसको लाना, मैं पसंद कर दूँ। इधर आओ बैठो। क्या जरूरत है ये सब करने की? खत्म करवाना चाहता हूँ मेरे से। कैसा रिश्ता? कुछ भी तो नहीं है। लेकिन नाम तो जुड़ा है ना तुम्हारा उसके साथ, अभी भी तुम उसकी बीवी तो हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है। क्यों बच्चों जैसी जिद कर रहे हो? तुम कर रही हो, बात को समझ क्यों नहीं रही? मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात, मैं क्या करूंगी इस पे साइन करके। खाबर का नाम मुझसे तो हट जाएगा, लेकिन फातिमा के साथ उसका नाम जुड़ा रहेगा। अगर मेरा बस चले तो फातिमा का नाम भी उसके नाम से लेता करता हूँ। नहीं कर सकते सर, बाप है वो। कैसा बाप है? बाप ऐसे होते हैं? 6 महीने गुजर गए, उसकी शक्ल तक देखने नहीं आया। तुम क्यों हुजूर की टेंशन ले रहे हो? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का मामला है तकबीर। मेरी जिंदगी जैसी है गुजर चुकी है, और जितनी बची है वो भी गुजर जाएगी। तुम मुझे खुश देखना चाहते हो है ना? तो शादी के लिए हाँ कह दो। लड़की बहुत अच्छी है, मुझे अम्मी को बहुत पसंद है, हम जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो, तुम मिलोगे तुम्हें भी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम सच में चलोगे? तुम्हारी शक्ल पे जो खुशी है ना, इसे मैं जी नहीं सकता, इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मम्मी को खुशखबरी सुनाती। लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? इसमें साइन तो करना पड़ेगा, अगर साइन नहीं करोगी तो मैं शादी नहीं करूंगी। तकबीर,
हेलो, कैसे हो फरहान? सब खैरियत तो है ना? मूसा भाई, तकबीर ने खुला के पेपर्स पे साइन कर दी। अच्छा, तुम परेशान ना हो, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कल ही वकील से बात करता हूँ कि आगे क्या करना है, ठीक है ना? जी ठीक है। हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है। अरे मैंने तो तारीख भी पक्की कर दी है, बस तुम फरहत को और बच्चों को लेके फौरन यहाँ पहुँच जाओ। अभी एक महीना पड़ा है, तुम लोगों ने ही सारी तैयारियां करनी है, वरना तकबीर अकेली पड़ जाएगी। हाँ अच्छा, ये लो, तकबीर से बात करो। हेलो, कैसे हैं आप लोग? हाँ हम सब कुल ठीक है। हाँ फरहान को भी लड़की बहुत पसंद आई, बस अब आप लोग जल्दी से आ जाए, हम लोग मिलके तैयारी करेंगे, कितना मजा आएगा ना। ठीक है ठीक है, ला हाफिज। कितनी खुश हो रही थी ना फरहान। अम्मी देखें कितनी प्यारी फ्रॉक है, फातिमा को छोटी हो गई, पिछले महीने तो ली थी मैंने। अरे बेटा माशाल्लाह, बोलो माशाल्लाह, बड़ी हो रही है, सेहतमंद हो रही है, क्यों नजर लगा रही हो हमारी बच्ची को? बाजार से जाके और बड़े कपड़े ले लेना। अरे नहीं भाभी, कुछ नहीं मंगवाना। जी जी कुछ नहीं चाहिए, बस आप और भाई जल्दी से आ जाएं, बहुत कमी महसूस होती है आप लोगों की, घर बहुत खाली खाली है। तकबीर, अरे वो तो मेरा बड़ा भाई बनी हुई है, अब्बू की जगह भी उसने संभाल ली। भाई कहीं गए हुए हैं? अच्छा अच्छा, मेरी आयान से बात तो कराएं, करा दें। हेलो आयान, कैसे हो? जल्दी से आ जाओ, चाचू बहुत मिस कर रहे हैं आन को। जी भाभी चलें, सही है, ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़। अम्मी
रही हूँ, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स तो भाभी लेके आएंगी, उन्होंने कहा है। बैग्स भी वही ले आएंगी। वो गोल्ड की ज्वेलरी आपने लॉकर में रखवा दी थी ना? हाँ बेटा, वो सब तो कर लिया था, लेकिन मेरे ख्याल से नुसरत को मुंह दिखाई देने के लिए तो कुछ लेना पड़ेगा। हाँ मैं सोच रही थी भाई और भाभी जब आएंगे ना तो हम सब इकट्ठे जाके उसके लिए गिफ्ट ले लेंगे। भाई मैं तो ये कहती हूँ कि फरहान की पसंद से ले लो। फरहान की पसंद से क्यों लेंगे? मैं नुसरत से कहती हूँ मेरे साथ चलेगी, वो खुद चूज कर लेगी। अच्छा बाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ और ज्यादा जोड़े बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे कपड़े भी यूं ही पड़े रह गए थे, मैं अपने बड़ी के जोड़े रख देती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम अपने बड़ी के जोड़े संभाल कर रखो, काम आएंगे आगे। नुसरत के लिए हम नए जोड़े बनवा लेते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, और सैलून की बुकिंग भी पहले करवानी होती है। अरे हाँ बेटा, वो फोन करके अपॉइंटमेंट ले लो। हाँ मैं ले लूंगी। वकील कह रहा था कि टाइम लग सकता है, अब ऐसा भी नहीं है कि इस मसले का कोई हल नहीं। हमारे मजहब ने यह राइट दिया है औरत को, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, बस बेटा तकबीर की आसानी से जान छूट जाए। वकील ने भरोसा तो दिलाया, बाकी अल्लाह की मर्जी। इंशाल्लाह बस ये मसला हल हो जाना बेटा, फिर मैं तुम्हारे सर पे सहरा सजा देखूं। ये क्या तरीका है बात करने का? तरीका तुम मुझे बताओगी? मेरे भाई को खुला का नोटिस भेज के तुम इसके साथ यहाँ पे रंग रलियां मना रही हो? दिलदार का गम। मैडम ये आपका लेटर है, यहाँ साइन कर दो। थैंक यू। खुला का नोटिस? जावेद? हाँ बेटा, खुशी के मौके पर तो अपनों की याद बहुत तंग करती है। सही कह रही हैं। अम्मी तो अब्बू का सोच सोच कर अपना बीपी हाई कर लेती हैं। इसीलिए मैं और फरहान अम्मी के सामने अब्बू का जिक्र नहीं करते हैं।
तुम जिक्र ना भी करो बेटा, लेकिन अपनों को दिल से निकाला तो नहीं जा सकता। जी, अबू की कमी हर वक्त महसूस होती है। मैंने हॉल की बुकिंग करवा दी है, किसी दिन तुम भी चलकर देख लेना। अगर खाने में कुछ ऐड करवाना हो तो मुझे पहले से बताना हो। ठीक है, हम चलेंगे। हालदा बाजी, आप यहाँ, खैरियत तो है? ओ, अब समझी। तो ये सारी कार्रवाई तुमने इसलिए की? ये क्या तरीका है बात करने का? तरीका तुम मुझे बताओगी? मेरे भाई को खुला का नोटिस भेज के तुम इसके साथ यहाँ पे रगरलियां मना रही हो? ये क्या फजूल और घटिया बातें कर रही है? फजूल और घटिया बातें और हरकतें तुम और तुम्हारी फैमिली कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, मुझे मजबूर मत करें कि मैं आपको यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूँ। तुम क्या धक्के मार के मुझे घर से बाहर निकालोगी? हम्म? मुझे तुम्हारी सारी हरकतों का पता चल चुका है। पूरी दुनिया के सामने तुम्हें बदनाम करके छोड़ूंगी। सही कहता था मेरा भाई, तुम तो हो ही आवारा और बदचलन। बस, बहुत बोली आपने विजय बैंक के खिलाफ। अब अगर एक लफ्ज भी और बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। फरहान, इनके साथ इसी तरह बात करनी चाहिए। सुबह 11 बजे आपके घर कोर्ट का नोटिस आ जाएगा। बेहतरी इसी में है कि आप खुद ही साइन करा के भेज दें। मुझे पता है कि आप ही वो हैं जिसने खबर को छुपा के रखा था। 12 बजे पुलिस आपके घर आ जाएगी अगर साइन होकर पेपर्स ना। अब आप जा सकते। हेलो, खबर? कल रात क्या बात हुई? किससे? मूसा से। फिर मूसा? झूठ मत बोलना मुझसे, प्लीज झूठ झूठ मत बोलना। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं कह गई थी ना तुम्हें, अच्छा मौका था, दिल खोल के बातें की होंगी, बताया होगा कि तुम्हारा शौहर कितना जालिम है। आपके दिमाग से मूसा क्यों नहीं निकल जाता? जब तक तुम्हारे दिल से नहीं निकलेगा मैं दिमाग से कैसे निकालता? खादर, मेरे पास फोन नहीं है। तुम जैसी लड़कियां अपने पुराने आशिकों से रابطہ कैसे करती हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं। क्या मुसीबत है? काफ़र, क्या हुआ? किसे फोन कर रही हो? अरे कुछ बताओगी भी? हाँ, मैं उधर थी तो काफ़र की कॉल आ गई। अब मैं कॉल कर रही हूँ तो उठा नहीं, पता नहीं क्या करूँ, कहाँ जाके सर फोड़ूँ। पता नहीं अभी काफ़र ही था या नहीं, क्यों नहीं जाता ये? तुम पागल हो गई हो? पक्का यकीन है तुम्हें कि वो खावर ही था? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। ठंड पड़ गई, दिल को सुकून आ गया ना बेइज्जती करवा कर। तुम तो चुप हो जाओ, बिला वजह ब्लड प्रेशर हाई नहीं कराओ मेरा। मैं कह रही हूँ खावर था तो खावर था, मुझे नहीं पता। खाम खामे मुझ पे मत चीखो, शुरू से ही तुम दोनों बहन भाइयों ने सारे मामलात खराब किए। गुस्सा तो नाक पे धरा रहता है तुम दोनों बहन भाइयों।
कहा था मैंने उन लोगों से बना के रखो, मगर तुम्हारी अकल में तो मेरी कोई बात आती ही नहीं। और यही हाल तुम्हारे भाई का है, समझा समझा के थक गया उसे, अब नतीजा भुगतो। तुम्हें तो खुदा वास्ते का बैर है मेरे भाई से। दादी, खबर भी आया कोई और खेल खेल रहा हमारे साथ, मैं खुद ही पता लगा लूंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे तकबीर, तुम यहां बैठी हो? बेटा इतना कुछ फाइनल करना था, वो तुम्हारा इंतजार कर करके वो चले गए। किस मुंह से उनके सामने आती है अम्मी? आपने देखा नहीं खालदा बाजी ने क्या क्या कहा मुझे? बेटा कीचड़ उछालने वाले का किरदार खुद खराब होता है, उसकी ज़हनियत का पता चलता है। और क्या मुसा और शाजिया तुम्हें नहीं जानते? चलो तुम अपने दिल पे बोझ मत रखो। मैं क्या करूं अम्मी, जब खबर थे तो मूसा का नाम लेके मुझे अजियत करते थे, और अब खालदा बाजी ने सबके सामने कैसी बातें की, मुझमें हिम्मत नहीं है अम्मी। नहीं बेटा, तुमने हिम्मत नहीं हारनी होगी, तुम्हें अपने आप को मजबूत रखना होगा। और चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, हमें क्या, सिर्फ फजूल बातें। चलो शाबाश, फरहान खाने पे इंतजार करे, चलो चल के खाने खाना। अब जाए, मैं आ रही हूँ। देखो अगर तुम खाना नहीं खाओगी ना तो फरहान भी भूखा बैठा रहेगा। चलो शाबाश। अब जाए, मैं आ रही हूँ। अच्छा जल्दी से आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा वरना। चलो आओ यार, खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। वैसे अगर खावर ने फोन किया था तो तुमने रिसीव क्यों नहीं किया? कैसे कर लेते रिसीव, सबके सामने कैसे कर लेती बताओ ना। वैसे भी मुझे यकीन ही नहीं आया कि खबर था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हें जरूरत क्या थी वहां जाने की। पागल कुत्ते ने काट लिया था मुझे। अरे मेरा ये मतलब नहीं था। अब देखो ना, उन लोगों ने धमकी लगा दी, सुबह दरवाजे पे पुलिस आ जाएगी, और मुझे अगर वो पकड़ के ले गए तो तुम्हारे गुस्से के चक्कर में तो मैं तो चढ़ गया ना सोली पे। प्लीज किसी तरह से खावर को ढूंढो और उसे कहो कि उस खुला नामे पे फौरी दस्तखत करे, जान छूटे इस नबूसत से हमारी। जब से वो औरत आई है मेरे भाई का क्या हम दोनों का भी सुकून पर बात करके रखती है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। वैसे अगर खावर ने एक दफा फोन किया है तो वो दोबारा भी जरूर करेगा। अगर वो खावर हुआ तो वैसे मुझे नहीं लगता वो खावर ही था, मैं कह रही हूँ ना। अब उसका फोन आया ना तो मैं उसे कहूंगी कि इस औरत से फौरन जान छुड़ा, सब मसलों का हल निकल आएगा। अच्छा चलो उठो, खाना खाएं। चलो चले जी, तैयार हो गई आप? अरे आप कहाँ जा रही हैं सुबह सुबह तैयार होकर? मैं शाम को भी इसी तरह तैयार है ना। मामू ऑफिस से आएंगे और आपको बाहर लेकर जाएंगे। बहुत तंग करना है आपने अपनी मामा को। अरे मेरी बेटी को क्या सिखाया जा रहा है ये? मामू कह रहे हैं ना, मामू को ही तंग कर। ख्याल रखना इसका, आराम से जाना। अम्मी इतनी परेशान क्यों है? सारी रात सोई नहीं थी? सोती तो खुश नसीब हो गई, मेरी तो नींदें ही खत्म हो गई। तुम्हें पता है आज आज तहरीन की सालगिरह है। कहाँ गया वो वक्त, वो सब लोग, वो खुशियां, सब खत्म हो गया। तो घर का इतना परेशानी वाला माहौल है और सब लोगों ने मेरी शादी का झगड़ा छेड़ दिया। अरे बेटा झगड़ा कैसा, देखो ना नई दुल्हन आएगी तो
तो घर का माहौल बदल जाएगा, कम से कम ये सकूत तो टूटेगा। अम्मी साहब परेशान मत होया करें, ठीक हो जाएगा। मैं जाते हुए कब्रिस्तान से होता हुआ जाऊंगा। बेटा तेरी को मेरी बहुत सारी दुआएं देना, बहुत सारा प्यार देना। भूखे लिए कुछ नहीं, अच्छा अम्मी वो तकबीर ये बात भूली हुई है, तो उसे कोई जिक्र मत करिएगा। माफ़ चलता हूँ। ठीक है बेटा, फातिमा उठ गई? जी उठ गई है। पता है नहीं बातों नहीं हो गई है, सुबह सुबह इतनी बातें करने लगी थी मेरे से वो तो। अच्छा मैं जाके उसको देखती हूँ, तुम जाओ। ख्याल रखिएगा। ओके बेटा। इंश्योरेंस ये फाइल्स उसको पहुंचा देना, इसके अंदर आज का सारा डाटा है, ये उसे दे देना। जरा जल्दी करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ खैरियत है? हाँ यार, बात करनी थी तुमसे। बताएं। खालदा आई थी कल तुम्हारे घर, वापिस आई तो काफी परेशान थी, रो रही थी वो। उनको किस बात की परेशानी, किस बात पे रो रही थी वो? खावर। मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता। मैं जिस खावर को जानता था उसने मेरी एक बहन को मौत की नींद सुला दी और दूसरी बहन को जीने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे दुख है, मगर अब ऐसा भी नहीं है कि खालदा को तहरीन की मौत या तकबीर का दुख नहीं है, फिक्र करती है वो उसकी। बस जावेद भाई, मैं और कुछ नहीं सुना चाहता। आप लोगों को तकबीर की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तकबीर कोई लावारिस नहीं है, अभी मैं हूँ उसकी ज़िंदगी में जिंदा। जाके समझा लें आप उनको कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो समझती क्या अपने आप को, हैं क्या वो? कभी आपने देखा कि किस तरीके से वो बात करती हैं तकबीर के साथ, रवैया क्या उनका बात करने का? कभी जो उन्होंने इज्जत से बात की हो। तकबीर ने हर कोशिश की है घर को मुकम्मल करने की, घर को बनाए रखने की, लेकिन इन दोनों ने हमेशा उसकी हर कोशिश को नाकाम किया। मैं जानता हूँ वो जुबान की जरा तेज है, कभी कभार से आती भी कर जाती है, मगर वो इज्जत करती है उसकी, प्यार करती है उससे। इज्जत करती है? आप इसे इज्जत करना कहते हैं? अगर वो इज्जत करना चाहती हैं तो उन्हें क्या अपना अंदाज बदलें, इज्जत हिस्सा नहीं की जाती। इन दोनों ने मिलके उसकी ज़िंदगी सिर्फ जहन्नम बनाई है, और वैसे भी जावेद भाई मैं अब उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहता हूँ। जितना सफ़र करना था ना उसने कर लिया। समझता हूँ तुम्हारे जज्बात, मुझे तो पूरा यकीन है इस बात का कि खावर को उन्होंने कहीं छुपाया। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसी कोई बात होती तो कम अज़ कम मेरे इल्म में ज़रूर होता। वो तो खुद बहुत रोती है उसके लिए, और देखो अभी तक उसका कुछ पता नहीं कहाँ है। खैर जावेद भाई, मैं तकबीर को एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी जिए, इसलिए आप प्लीज़ जल्द अज जल्द खुला पेपर पर साइन करवा लें। मुझे मालूम था कि तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, पुलिस को घर भेज के मुझे हवालात में बंद करवाना चाहते थे ना, इसीलिए खुद चल के आया हूं तुम्हारे पास। बंद करवाओ मुझे हवाला, बुलवाओ पुलिस को, यहां कर दो उनके हवाले। हेलो
क्या हो गया है? नहीं आंटी फोन रिसीव कर रही है, नहीं तुम रिसीव कर रही हो। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है। वो खाना खा के अपने कमरे में गई थी, शायद सो गई हैं। हाँ अच्छा तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या होगा? हाँ वैसे गलत सवाल पूछ लिया, तुम्हें क्या हो सकता है? क्या मतलब? हाँ तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो, बहुत मजबूत हो ना। वो आपने फोन किस लिए किया है? ऐसे फरहान की शादी के सिलसिले में कुछ काम कहे थे आंटी ने, वो सारे मैंने कर लिए, तो मैं पूछ रहा था कि कुछ और बच गया तो बता दे मुझे। हाँ वो जान जाएंगी तो मैं कहूँगी आपको फोन कर लें। हाँ खैर वैसे जरूरत नहीं है, मैं बाद में आ जाऊँगा, बात हो जाएगी मेरी उनसे। ठीक है खुदा हाफिज़। अच्छा सुनो। जी। घबराना नहीं प्लीज, तुम्हारा किरदार मैं जानता हूँ, तुम जानती हो, खुदा जानता है। बिल्कुल हिम्मत मत हारना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें परेशान देखकर तुम्हारे दुश्मन हंसेंगे तुम पर। बिल्कुल भी परेशान मत होना, खुश रहना, मुस्कुराती रहना, समझी तुम? शाम को मुलाकात होगी तुम, ठीक है? घंटे से मैं परेशान बैठी हूं, जरा परवाह नहीं आपको मेरी, मैं टेंशन से ही मर जाती। टेंशन में तब आती जब मैं वापस ही ना आता। बंद करवा देता वो मुझे हवालात में। ऐसे कैसे बंद करा देता? जुर्रत ही है उसकी, मैं उसके पूरे खानदान को ना बर्बाद कर देती, जाके गली में उनके साथ। खामोश हो जाओ प्लीज। गलत हो तुम और तुम्हारा भाई भी। मत करो खुद पे इतना गुरूर खालदा। आपको मैं गलत लग रही हूँ? मेरा भाई गलत लग रहा है? और उसका क्या? वो जो बदमाश औरत, शरीफ लड़की है वो, इज्जतदार घराने के लोग हैं वो, वरना तुम्हारे खिलाफ मेरे खिलाफ बहुत कुछ करवा सकते थे वो। क्या क्या कर ले? क्या कर लेते वो? एक बहन का जनाजा उठाया, जिम्मेदार तुम्हारा भाई, दूसरी बहन को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, जिम्मेदार तुम्हारा भाई। खुद तो वो भाग गया और अब तुम वहां बार बार जाकर उन लोगों को गुस्सा मत दिलाओ, अपना घर आबाद रखो, ढूंढ कर लाओ उसे और साइन करवा कर दो तलाकनामे पर। से भी वो लोग शरीफ लग रहे हैं और मैं और मेरा भाई बदमाश। पर उसकी जरूरत कैसे मैं सामने इस तरह से बोलूं? बताती हूँ, अभी बताती हूँ। दिलदार का गम आया। इस माशरे में लड़की की जिंदगी उसके माँ बाप के घर में कैसी होती है? बचपन से ही उसे मेहमान बना दिया जाता है। कोर्ट ने फैसला सुना, तकबीर को उस दरिंदे से आजादी मिल गई। ना घर तो बर्बाद कर दिया, मेरा भी घर उजाड़ने पे तुली हुई है। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो और घर में बहू ले आओ। तकबीर के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो उसे भी रुखसत कर दे। मैं तकबीर का हाथ थामने के लिए तैयार हूँ।